एक बड़ा आयोजन अयोध्या में होने वाला है और भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो 22 जनवरी यानी कि एक दिन बाद होने वाला, पूरा देश जो है राममय हो चुका है। लेकिन यूथ में भगवान राम को लेकर जो क्रेज़ है उसको आप देख सकते हैं। जयपुर के एक टैटू स्टूडियो पर खड़ा हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो यहाँ पर जो है भगवान श्री राम का टैटू बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में टैटू बनाया जा रहा है। जो यहाँ के ऑनर हैं ये आप इनसे बात करते हैं, विष्णु खंडेलवाल जी। सर ये कहाँ से आइडिया है, अचानक से आप जो है यहाँ भीड़ काफ़ी लगी हुई है आपके टैटू स्टूडियो में, किस तरीके से आपका जो आइडिया है लोगों का टैटू बना रहे हैं आप यहाँ पर? सर देखो, एक सनातन होने के नाते राम भगवान में आस्था है, कोई ना कोई हर कुछ अयोध्या में डोनेट कर रहा है और इतने अथक वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि आस्था के होने के नाते कि कुछ ना कुछ मैं भी डोनेट करूं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा एक यूनिक आइडिया लेके आया जाए कि लोगों की भावना भी जुड़ी रहे, लोग मेरा डोनेशन भी हो जाए और लोग मेरे साथ में जुड़ जाए आगे तक के लिए। तो मैंने यही करा, बस 3 इंच तक का राम भगवान का कोई भी आप टैटू बनवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल ही। यानी कि जो उत्साह है और एक तरह से आपका कंट्रीब्यूशन है जो कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको लेकर, तो ये जो भीड़ है ये काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं क्योंकि ये पूरा फुल हो चुका है। 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक आपको ऐसा ही भरा हुआ दिखेगा। मतलब अभी तक ऑलरेडी हम 500 से ज़्यादा टैटू बन चुके हैं हमारे पास, 3 दिन का भी ऑफर है और राम भगवान के मोस्टली 100 से ज़्यादा टैटू बन चुके और 100 से ज़्यादा वेटिंग में, तो ये कंटिन्यूसली चलेगा। रात को 2 बजे तक आप आओगे तो आपको ऐसी भीड़ दिखेगी। कब तक है ऑफर ये? ये कल तक ऑफर है, यदि कोई छूट भी जाता है इस मौके पे तो हम 22 तारीख को भी दे रहे हैं और हमने साथ में यहाँ पे भंडारा भी किया है, 22 तारीख को भंडारा भी हम लोग कर रहे हैं। तो जो युवा आ रहे हैं वो सिर्फ ये जो है भगवान श्री राम का ही टैटू बना रहे हैं या किसी और का? सर सबसे ज़्यादा जो मोस्टली हमारा चल रहा है वो भगवान राम का ही चल रहा है। एक आस्था जो है इंसान की जुड़ी हुई है, वो सोच रहा है कि जब तक मैं मरूं तब तक राम का नाम रहे, तो उस आस्था को लेके लोग यहाँ पे राम भगवान का टैटू ज़्यादा बनवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं राजधानी में जो क्रेज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैटू आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर बना रहे हैं। कितने लोगों का टैटू आप एक दिन में बना लेते हैं? सर कम से कम 60-70 जनों का बना लेते हैं एक पर बंदा। सारे ब्लैक एंड वाइट हैं? सर ब्लैक एंड भी हैं, कलरफुल भी है, कलरफुल के अंदर भी काम करते हैं सर हम। कलरफुल जो डिमांड आ रही है वो ब्लैक एंड वाइट की आ रही है या कलर की आ रही है? सर डिमांड जो है दोनों की आती है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट काम होता है हमारा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर टैटू जो है बनवाने आए हैं इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं जनता कॉलोनी से आया। तो ये आपको आइडिया जो मिला है ये जो टैटू का, ये कहाँ से पता पड़ा आपको और यहाँ पर आए हैं? मैं इधर से जा रहा था तो मेरे को ये बैनर लगा हुआ दिखाई दिया जहाँ पर श्री राम का टैटू फ्री में बनाया जा रहा है। तो भगवान श्री राम का टैटू बनाएंगे, कहाँ बनवाएंगे आप? हर बाजू पे बनवाऊंगा। क्यों बनवा रहे हैं अभी, ये पहले क्यों नहीं बनाया आपने? पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 22 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है ना, इस वजह से मुझे लगा कि बनवा लेता हूँ। तो यूथ का क्रेज़ आप देख सकते हैं, राजधानी का ये टैटू जो स्टूडियो है यहाँ पर जो है, इन्होंने जो यहाँ के ऑनर हैं इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो पिछले 3 दिन से ये 500 से ज़्यादा टैटू बना चुके हैं और उसके बाद में ये 22 तारीख तक इनका जो ऑफ़र है, इन्होंने जो है राजधानी जयपुर के जो यूथ हैं उनके लिए ये ऑफ़र दिया हुआ है। और यहाँ पर टैटू की जो डिमांड है क्योंकि स्टूडियो के बाहर एक लंबी लाइन भी लगी हुई देखी जा सकती है और उसके साथ साथ में जो ये 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जो कि अयोध्या में किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसको लेकर राजधानी के युवाओं में भी काफ़ी जोश है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।